सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से राधे राधे। स्वागत है आपका हिमाचली व्लॉग्स में। आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे जहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन जहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, और फिर भी कहा जाता है कि यहाँ की हर मुराद पूरी होती है। सो चलो चलते हैं मंदिर में। इस मंदिर को काला सप्पड़ के नाम से जाना जाता है। इसकी एक बहुत प्राचीन मान्यता है कि अगर आप कहीं से भी बैठकर इन इनसे मन्नत मांगोगे, वो मन्नत ज़रूर पूरी होगी। जैसे कि अगर आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन है या आपको कोई शारीरिक बीमारी है, तो अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे कि हम ज़रूर यहाँ आकर माथा टेकेंगे, तो ये आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और आप यहाँ आकर नमक चढ़ा सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, मंदिर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, हमें कुछ श्रद्धालु मिले हैं, उनसे पूछते हैं मंदिर के बारे में पूरी स्टोरी। सर बताइए मंदिर के बारे में कुछ। सर मंदिर के बारे में ऐसे है कि ये जो मंदिर है ना, हाँ जी ये पहले मंदिर है उस जगह पर था, जी ठीक है जी। ये मतलब जैसे मतलब ये बहुत पुराना मंदिर है। जब किसी के जो जो अपने होते ना ग्वाले वगैरह, हाँ जी हाँ जी जो पशु चराने आते थे, उनके पशु वगैरह गुम हो जाते थे, तो जो बाबा जी की अरदास करते थे कि हमारा पशु मिल जाए, तो हम आपको किन्नू चढ़ाए, किन्नू होते हैं किन्नू, किन्नू। हाँ किन्नू जी हाँ चढ़ा जी करने वगैरह, हाँ जी हाँ जी वो तोड़कर लाते थे, तो जी बाबा जी के चरणों में रखते थे। जी सर, ये नमक की थैलियों क्यों पड़ी हुई हैं? ये नमक की थैली ऐसी नहीं है भी, जो भी मतलब कोई सुखन सुखता है ना, जी, कोई भी है सुखन कैसी मतलब? उसके कैसी भी, जैसे कोई फोड़ा फिंसी हो, हाँ मैंने सुना था स्किन के रिलेटेड कुछ हाँ होता जी है हाँ जी, तो मांगते हैं तो ना। उसको ना नमक सूखते हैं, और जो होता है झाड़ू वगैरह हाँ जी अच्छा, उसके बारे में आएंगे। तभी झाड़ू भी पड़े हुए हैं वहाँ हाँ पे। झाड़ू इसलिए बटू है। और कुछ बताइए, कब से है ये मंदिर यहाँ पे? हाँ मैं और आपको जो डरने बताना चाहता हूँ, हाँ जी ऐसे हुआ कि मतलब काफी साल पहले ना, जहाँ जंगल में आग लगी, जी इस बाबे के ऊपर ना मतलब बाबा जी के ऊपर खड़ की मतलब चुंगी थी, हाँ जी ठीक है जी। तो जो तीन मतलब मोड़े थी ना, वो तीन मोड़े थी वो काट कर लगाई थी, और जो चौथी थी अच्छा वो ना एक दरख्त था हरा, उस दरख्त के ऊपर भी इसके मतलब रखा था सपोर्ट, तो बनाई थी। जंगल में आग लग गई और सब जंगल जलकर राख हो गया, और बाबा जी की जो झोपड़ी थी ना ऊपर डाली हुई थी, उसको अच्छा आग नहीं लगी है। अच्छा जब पब्लिक इकट्ठी हुई, उन्होंने देखा कि जंगल में आसपास में तो सब झाड़ियां ही मतलब जलकर राख हो गई हैं, जी हाँ जी तो इसको मतलब तो बाबा जी की सत्या है। महकमा ब्याज जंगलात महकमा गया, उन्होंने भी देखा, सबने मत्था टेका जहां, और पहला जग जो है ना जैठ इसी महीने अपने मई महीने की पहला एतवार जो आता है जैठ एतवार, उसको की जाता है सालाना भंडारा सालाना भंडारा की जाता है। जी। उसके बाद बाबा जी की कृपा, जिसका मंदिर जो था ना उधर, तो जो जो लगी है ना अपने हाँ जी जो डंडे लगे हुए हैं हाँ जी इधर था, ये ओके बरसात के कारण ना स्लाइड हो गया, ये गिरकर नीचे चला गया, और पब्लिक ने संजो किया, एक साल के अंदर ही इसको 25 जनवरी को निकाल कर बाहर का, बाबा जी का जो है ना मतलब बाबा जी ने चाहा कि मेरे को ऐसे जगह रखा जाए हाँ, अब कि तो काफी जहाँ सुंदर होगी दोबारा ना जगह गिर यहाँ की। जाऊं, ठीक हाँ जी है जी। काफी सुंदर जगह बन हाँ गई जी है हाँ तो जी, तो ये मतलब झाड़ियाँ जुड़ियाँ काफी थी, ऊंची जगह थी जो इसमें, श्रद्धालु हमारे दूर से बैठकर देख रहे हैं, अगर वो वहां से मन्नत मांगेगी पूरी हो जाएगी बिल्कुल जी हो जाएगी पूरी। और यहाँ आना पड़ेगा फिर हाँ जी हाँ उनको जी अगर बिल्कुल, पूरी होगी तो। हाँ देखो फोड़ा फिंसी जो भी है, सच्चे दिल को अरदास करने का एक अपना जरिया होता है, जी अगर दिल से करेंगे ना तो बाबा जी जरूर सुनेंगे, बात नहीं है। पानी और भी है, जो मतलब पिछले बुजुर्ग थे वो घराट वगैरह चलाते थे हाँ जी जो पानी के जरिए चलते हैं, हाँ जी उन्होंने सोचा है कि ये मतलब काला पत्थर है हाँ जी और इसके जो घराट के कूड़ होते हैं वो अच्छे बनेंगे। जी तो जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों से तोड़ना शुरू किया जी बाबा जी को, तो बाबा जी के उसमें खून निकलना मतलब शुरू हो गया। जी ये देखो ये सीढ़ी लगी हुई है, जहां भी सीढ़ी लगी है उधर भी सीढ़ी लगी है, छिपरदे सीढ़ी लगी है, जी ये तब से बाबा जी को मानते हैं सब। अगर आप भी दूर से बैठ के मांगोगे, लेकिन आना पड़ेगा अगर मन्नत पूरी होगी तो। आज मांगने का हाँ तरीका मुझे बस। बस जैसे इन्होंने कहा। चलो जय बाबा।